तो आज हम इस वीडियो में गुड हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि इंग्लिश किड्स ऐप के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि यह एक बेहतरीन ऐप है, बच्चों को उपयुक्त बहुत सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। आज विशेषकर गुड हैबिट्स के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारी गुड हैबिट्स दी गई है, लेकिन वो इंग्लिश में बताई गई है, एक्सेंट भी थोड़ा बच्चों को समझने के लिए मुश्किल है। तो आज हम उनको इंडियन एक्सेंट के साथ समझेंगे और साथ ही साथ उनका मतलब भी हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। गुड हैबिट्स, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। गुड हैबिट्स, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाने से पहले और खाने के बाद हाथ अच्छे से साफ करने हैं। हेल्प अदर्स एंड आस्क इफ दे नीड समथिंग, डू नॉट हेल्प ओनली योरसेल्फ। किसी को अगर मदद की जरूरत है तो उसको पूछकर मदद करनी चाहिए, किसी को खुद होकर मदद नहीं करनी है। डू नॉट स्पीक विद फूड इन योर माउथ। डू नॉट स्पीक विद फूड इन योर माउथ। मुंह में खाना रखकर बात मत करो। डू नॉट ओपन योर माउथ एंड चू। डू नॉट ओपन योर माउथ एंड चू। मुंह खुला रखकर खाना मत चबाओ। Do not drink water with food in your mouth. Do not drink water with food in your mouth. जब खाना मुंह में हो तो पानी मत पिया करो। Take small bites of food and chew them properly before swallowing. Take small bites of food and chew them properly before swallowing. खाना खाते समय खाने के छोटे छोटे टुकड़े मुंह में रखकर उसको अच्छी तरह से चबा चबा कर बाद में निगला करो। Do not take a large amount of food at one time. Do not take a large amount of food at one time. एक साथ बहुत सारा खाना लेकर खाने मत बैठो। Do not rest your elbows on the table. Do not rest your elbows on the table. बैठते वक्त अपने कोहनी को टेबल पर टिका कर बैठना अच्छी बात नहीं है। Be kind to everyone. Be kind to everyone. हर किसी के साथ प्यार से पेश आओ। Share your belongings. Share your belongings. अपनी चीजें दूसरों से बांटना सीखो। Do not be selfish. Do not be selfish. स्वार्थी मत बनो, हमेशा खुद के बारे में मत सोचो। Be nice to your brothers and sisters. Be nice to your brothers and sisters. अपने भाई बहनों से अच्छा बर्ताव किया करो। Do your work yourself. Do your work yourself. अपना काम खुद किया करो। Keep your toys in place after playing. Keep your toys in place after playing. खेलने के बाद अपने खिलौने जगह पर रखा करो। Respect your teachers. Respect your teachers. अपने टीचर्स यानी गुरुजनों का सम्मान किया करो। Obey school rules. Obey school rules. स्कूल के नियमों का पालन करो। Be punctual and regular to school. Be punctual and regular to school. स्कूल में समय पर और नियमित रूप से जाया करो। Be nice to your schoolmates. Be nice to your schoolmates. अपने सहपाठियों के साथ, दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करो। Report inappropriate behavior to your teacher. Report inappropriate behavior to your teacher. कुछ भी गलत बात दिखाई पड़े तो उसकी जानकारी टीचर्स यानी गुरुजनों को दो। Greet your teachers once a day. Greet your teachers once a day. अपने गुरुजनों को दिन में एक बार अभिवादन किया करो। Do not scribble on the walls, desks or board. Do not scribble on the walls, desk or board. दीवारों पर, टेबल पर या बोर्ड पर पेंसिल पेन से कुछ भी लिखकर स्क्रिबल करना बुरी बात है। Be kind and polite to everyone. Be kind and polite to everyone. हर किसी से दया भाव और विनयशीलता से पेश आया करो। Do not bully or call names at other children. Do not bully or call names at other children. दूसरे बच्चों को परेशान मत करो, उनको चिढ़ाओ मत। Share the toys and rides with other children. Share the toys and rides with other children. खिलौने या अन्य तरह की राइड्स जैसे कि सीसो वगैरह सब बच्चों के साथ मिलजुल कर बांट के खेलो। Take turns and wait patiently for your turn to come. Take turns and wait patiently for your turn to come. एक साथ बहुत सारे बच्चे होने पर बारी बारी से चीजें करो, उतावले हुए बगैर अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करो। Do not damage play equipment. Do not damage play equipment. खिलौने खराब मत करो। Do not litter. Do not litter. गंदगी मत फैलाओ। Do not eat at the play area. Do not eat at the play area. खेलने की जगहों पर खाना मत खाओ। Do not scribble on the walls. Public places are common properties.
डू नॉट स्क्रिबल ऑन वॉल्स, पब्लिक प्लेसेस और कॉमन प्रॉपर्टी, दीवारों, सार्वजनिक जगहों और किसी की वैयक्तिक मालमत्ता के जगह पर पेन पेंसिल से कुछ भी लिखकर स्क्रिबल करके गंदगी मत फैलाओ। स्पिट ओनली इन वॉश बेसिंस एंड क्लीन अप आफ्टर दैट। स्पिट ओनली इन वॉश बेसिंस एंड क्लीन अप आफ्टर दैट। थूकना हो तो वॉश बेसिंस में थूको और थूकने के बाद पानी से साफ करो।